हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपनी क्लास है कृत्रिम बर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसका एक वीडियो पहले भी आप लोगों को मिल गया होगा। इसके बाद एक रिवाइज क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो कृत्रिम बर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? कृत्रिम बर्धी प्रजनन वह प्रजनन जिसमें मानव अपने लाभ के लिए पौधे के बर्धी भागों के द्वारा या बर्धी भागों को काट करके प्रजनन करवाया जाता है या नए पौधे बनाते हैं, उस जनन को हम बोलते हैं कायक, यानी कृत्रिम बर्धी या कृत्रिम कायक जनन कहते हैं। जो कृत्रिम जनन होता है ये निम्न विधियों के माध्यम से होता है। सबसे पहला है हमारा दाब लगाना, या इसी को बोलते हैं लेयरिंग कहते हैं। तो जो दाब लगाना होता है इसको लेयरिंग कहते हैं। क्या कहलाता है? इस विधि में पौधे की जो शाखाएं होती हैं उनको जमीन में दबाया जाता है और दबाने के बाद में जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और उन जड़ों से शाखा को काट करके जमीन में किसी भी जगह लगा दिया जाता है, जिससे नया पौधा प्राप्त होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं दाब लगाना कहते हैं। ये दाब लगाना हमारा निम्न प्रकार का होता है, अर्थात तीन भागों में बटा होता है। सबसे पहली हेडिंग होती है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग का मतलब होता है इसमें पौधे के आधार वाले भाग की जो पत्तियां होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और संपूर्ण पौधे को मिट्टी से ढक दिया जाता है, पानी को डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद देखते हैं तो उसमें शाखाएं जड़ें बन जाती हैं और उन जड़ों सहित उन शाखाओं को निकाल करके जमीन में कहीं भी लगा देते हैं और नया पौधा बना लेते हैं। इस विधि को बोलते हैं माउंड लेयरिंग कहते हैं। जैसे अंगूर है, जासमिन है आदि। दूसरी होती है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में जो पौधे की शाखा होती है उस शाखा के समान एक ट्रेंच खोदी जाती है एक जमीन में। एक जो पतला वाला भाग होता है उसको संकीर्ण रास्ता खोदा जाता है, खाई खोदी जाती है और उसी में उसको शाखा को दबा दिया जाता है और उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं तो उसमें जड़ें बन जाती हैं और उन जड़ों से शाखा को काट करके जमीन में कहीं भी लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है। उसे बोलते हैं पर क्या? ट्रेंच लेयरिंग, जिससे कितना किलीमीटर्स आदि में। नेक्स्ट होता है तीसरा हमारा टिप लेयरिंग। इसमें पौधे की शाखा का अग्र वाला भाग जमीन में दबाया जाता है, पानी दिया जाता है, कुछ समय बाद देखते हैं तो जड़ें बन जाती हैं और नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारी पहली हेडिंग होती है दाब लगाना, इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारा माउंड लेयरिंग, दूसरा होता है स्ट्रेच, तीसरा होता है टिप लेयरिंग कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो माउंड, ट्रेंच और टिप लेयरिंग। इसके बाद में दूसरी हेडिंग होती है हमारी कर्तन, इसी को हिंदी में कहते हैं कटिंग। कटिंग में किसी भी पौधे की शाखा को काट करके जमीन में लगा दिया जाता है और नया पौधा बन जाता है। इस विधि को बोलते हैं हम कटिंग कहते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब आदि। तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इसमें क्या होता है? एक पौधा होता है और उस पौधे में या तो उसको जो तना होता है उसको काट लेते हैं और दूसरा पौधा होता है उसकी एक शाखा को लेकर के और पहले से उपस्थित पौधे के भाग पर जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में इसमें दो चीज़ें बन जाती हैं। एक तो हमारा जो पुराना पौधा होता है और एक होता है जिसके ऊपर दूसरी शाखा को लगाते हैं, ठीक है। तो जो पुराना पौधा होता है जिसके ऊपर शाखा लगाते हैं उसको हम साइन बोलते हैं, ठीक है ना, और या उसी को कलम कहते हैं।
क्योंकि इस शाखा को दूसरे पौधे से लाते हैं। और दूसरी जो होता है, जो पहले से उपस्थित पौधा होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर कलम लगाई जाती है, उसको हम साइन या स्कंद कहते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में हमारे दो पौधे होंगे, एक पहला वाला पौधा, एक दूसरे पौधे की शाखा। जो शाखा होगी उसको हम बोलेंगे कलम, और जो पहला पौधा होगा जिसके ऊपर हम वो शाखा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक या स्कंद कहते हैं, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद देखते हैं, और जैसे ही लगा देते हैं, मिट्टी वगैरह लगा देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, और कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उस भाग पर जड़ें बन जाती हैं, और जैसे ही जड़ें बन जाती हैं तो उसको उस भाग से निकल करके नई जगह पर लगा लेते हैं और नया पौधा बन जाता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम कौन, ग्राफ्टिंग कहते हैं, जैसे सेब, आम, गुलाब आदि, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है ग्राफ्टिंग। नंबर फर्स्ट होता है स्पाइस ग्राफ्टिंग, और दूसरी होती है विप ग्राफ्टिंग। स्पाइस ग्राफ्टिंग में जो हमारा पौधा की शाखा होती है उसको हम तिरछा काटते हैं, और जो हमारी विप ग्राफ्टिंग होती है, विप ग्राफ्टिंग में जो शाखा होती है उसको विकर्णी काटते हैं, विकर्ण के आधार पर या विकर्ण के अनुसार काटते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा चश्मा या मुकुलन, इसी को बोलते हैं बडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो चश्मा या मुकुलन या इसी को हम बडिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इस बडिंग में जो पहला पौधा होता है उसमें एक कैपिटल आई के आकार का एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा करते हैं आई के आकार का, ठीक है ना। और उस आई के आकार का गड्ढा कर या कट करने के बाद में दूसरा जो पौधा होता है उसकी शाखा को उसी आधार पर काट लेते हैं और उसको उसमें लगा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं, पानी डाल देते हैं, और कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उस शाखा में जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही उसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तो उसको उस शाखा से निकाल करके नई जगह पर लगा सकते हैं और नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट होता है सूक्ष्म प्रसारण, इसी को इंग्लिश में माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। इस विधि में जो पौधे होते हैं जिनकी एक नई वैरायटी प्राप्त करनी होती है तो हम उस पौधे के छोटी छोटी कोशिकाओं को लेते हैं, उदकों को लेते हैं, और उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में, पोषक माध्यम में, किसी बर्तन में लेते हैं और उसमें डाल देते हैं। उन उदकों को हम कैलस कहते हैं। कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो उत्तक इकट्ठे हो जाते हैं और एक गोल संरचना बना लेते हैं, ठीक है ना। और उस संरचना को हम बोलते हैं एम्ब्रोइड कहते हैं। ये एम्ब्रोइड विकसित करता है और नए पौधे का निर्माण कर लेता है। इस विधि को बोलते हैं सूक्ष्म प्रसारण। नेक्स्ट हमारी छठवीं हेडिंग होती है बूटी या ईयर लेयरिंग होती है। इस ईयर लेयरिंग में पौधे की शाखा को खोला जाता है और खोलने के बाद में उस पर मिट्टी लगा देते हैं, पानी डाल देते हैं, कुछ दिनों के लिए हवा में वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें जड़ें बन जाती हैं। इस विधि को हम बोलते हैं क्या, ईयर लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है इन आर्चिंग। इन आर्चिंग ऐसी विधि होती है कि इसमें दो पौधों को लेते हैं, एक निकृष्ट क्वालिटी का होता है और एक बेहतर क्वालिटी का होता है। दोनों किस्म के पौधों को लेते हैं, दोनों की शाखाओं को छोल करके और दोनों को बांध देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं और पानी डाल देते हैं। जैसे ही उसमें पानी डालते हैं, ठीक है ना, और कुछ दिनों बाद देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जड़ें बन जाती हैं। मीन्स उस जो निकृष्ट क्वालिटी का पौधा होता है वो बेहतर क्वालिटी में बदल जाता है, अर्थात उसको दूसरी जगह पे हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो कृत्रिम वर्धी प्रजनन होता है, एक कृत्रिम वर्धी प्रजनन मानव द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा होता है, ठीक है ना। एक निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार की विधियों के माध्यम से होता है। सबसे पहला होता है दाब लगाना, और दूसरा होता है हमारा कटिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग, चौथा बढ़ें, पांचवा सूक्ष्म प्रसारण होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ईयर लेयरिंग होता है, फिर इन आर्चिंग होता है। इन विधियों के माध्यम से
हमारा जो होता है कृत्रिम वर्धित प्रजनन की क्रिया समाप्त होती है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है ना, रिवाइज वीडियो है। इसमें सब लोगों को अपने नोट्स बनाने के बाद में, और हमारे यहाँ एक और व्यवस्था होने जा रही है, आप जो कल से क्लासें होगी वो हमारी प्रोजेक्टर के माध्यम से संचालित होंगी। टीकमगढ़ शहर की सबसे पहली कोचिंग एक ऐसी है जिसमें बहुत तकनीकी के हिसाब से पढ़ाई होगी, ठीक है। और इसमें इसलिए सभी बच्चे जो ऑफलाइन ढूंढना चाहते हैं वो उसमें आएँ, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच।